हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन है जो हमारे एक यूट्यूबर ने भेजा है। यूट्यूब पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक छात्र ने भेजा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं ये क्या है। दिया हुआ है एक कोर्स ग्रेन सॉइल कंपैक्टेड टू अ वेट यूनिट वेट ऑफ 2 टन पर मीटर क्यूब एट अ वाटर कंटेंट ऑफ 15%। डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कंपैक्टेड सैंड। दोस्तों, हमको यहाँ पे ई मैक्स दिया हुआ है 0.85 और ई मिनिमम दिया हुआ है 0.40 और जी दिया हुआ है 2.67। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी हमको पूछ रहा है आई डी, और आई डी फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको ई नहीं पता है, तो यहाँ पे जो सारे दोस्तों प्रॉब्लम आती है वो हमको ई भी निकालने में आती है। तो हम ई निकालते हैं। पहले यहाँ पे दिया क्या था, यूनिट वेट दिया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 टन पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक टन में होता है 1000 kg। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर टू टन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 kg और पर मीटर क्यूब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, केजी क्या है, हमारा मास है, और मीटर क्या है, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मास मिलेगा। सॉरी दोस्तों, मास डेंसिटी मिलेगी, जिसको हम डिनोट करेंगे रो से। क्या मिलेगा यहाँ पे, मास। अगर यहाँ पे न्यूटन होता तो हमको क्या मिलता, गामा मिलता। ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या मिला हमको, रो मिला। यदि आप टन का जो चेंज करेंगे, यहाँ अगर आप न्यूटन में रखते तो हमको यहाँ पे यूनिट वेट मिलता, सॉरी गामा मिलता। यहाँ पे हमने क्या रखा, किलोग्राम रखा, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, रो मिलेगा। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमको मिल गया रो। अब हम यहाँ से निकालेंगे रो डी। रो डी की बात करें दोस्तों, तो वही फॉर्मूला हमारा होगा, रो अपान 1+W। जहां जहां हम गामा रखते थे वहां का, वहां हम रो रखेंगे, मास डेंसिटी रखेंगे। तो रो हमारा है 2000 और हमारा 1, और वाटर कंटेंट दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा 0.15। जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो रो डी आता है, ड्राई डेंसिटी, सॉरी ड्राई मास यूनिट वेट, वो आता है हमारा 1739.13 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों हम क्या रखेंगे यहाँ पे, रोडी का फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। हमको एक पता फॉर्मूला क्या, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1+E था। उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे जहां जहाँ गामा है वहां क्या रखेंगे, रो रखेंगे। तो रो डी इक्वल टू जी रो ऑफ वाटर अपान 1+E। तो हम इसको सॉल्व करें दोस्तों, अगर ई की इक्वल टू निकालें तो ई इक्वल आ जाएगा जी, यहाँ पे जी रो डब्ल्यू अपान रो डी माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, ई। आइए हम निकालते हैं दोस्तों कैसे निकालता है। जी के वैल्यू यहाँ पे दिया है 2.67 और वो सॉरी हमको वाटर डेंसिटी पता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1000, जो हमारा घनत्व होता है वाटर का, वो हमारा हो जाता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे रोडी हमको निकला है 1739.13 और माइनस 1। ये दोस्तों जो हम सॉल्व करें तो आएगा 1.535 माइनस 1। यहाँ पे E की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है हमारी 0.535। 1 तो माइनस हो गया, हमारी E की वैल्यू हमको ये मिल जाती है। हमको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में हमको सभी वैल्यू पुटअप कर देनी है। आइए दोस्तों पुटअप करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई डी ई मैक्स हमको यहाँ पे दिया हुआ 0.85 माइनस ई हमने निकाला अभी 0.535 अपान ई मैक्स हमारा है 0.85 माइनस ई मिनिमम हमको यहाँ पे दिया हुआ 0.40। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी आर डी वैल्यू निकल के 0.6994 और ये हमारा हो गया डेसिमल। अगर इसको परसेंट में करें तो हो जाएगा 69.94%। तो दोस्तों ये लगभग बराबर है हमारे किसके, 70%। ये हमारा आंसर निकल के आता है 70%। हमारी रिलेटिव डेंसिटी निकल के आती है वो आती है 70%। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से आप हमें क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू।